सज्जनों, आज मैं अंक ज्योतिष के अनुसार ये बताने जा रहा हूं कि जो बहुत से लोगों की एक समस्या रहती है कि मैं अंगूठी मेरे जो कुछ गड़बड़ियां कुछ परेशानियां आती हैं तो उसमें मैं कौन से अंगूठी में कौन सा नग मुझे मेरे लिए उपयोगी होगा शुभ कहलाए। तो इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा नग और किसको क्या उपयोगी होगा वो अच्छी तरह समझाने जा रहा हूं, जो आपके लिए लाभदायी होगा। तो इसमें इसके लिए पहले ये चार्ट आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, चार्ट सबको मालूम होना चाहिए। ये है अंक 1 2 3 4 9 तक अंक लिखे हुए हैं, फिर इसके बाद ये धातु लिखे हुए हैं, स्वर्ण चांदी चांदी स्वर्ण 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 चांदी लोहा पंचधातु, और इसके बाद ये रत्नों के नाम लिखे हुए हैं, माणिक मोती पुखराज माणिक पन्ना हीरा मोती नीलमुंगा। अब इसके बाद आप इतना आपको चार्ट मालूम होना चाहिए। इसके बाद अब आप जिसका भी जिसको के जिसके लिए बताना है उसकी जन्म तारीख याद होना चाहिए। जैसे जन्म तारीख एक व्यक्ति की मान लो मेरी जन्म तारीख 8/9/1969 है, देखिए ये जन्म तिथि है। अब इस जन्म तिथि को आत्मांक हमें ज्ञात करना रहता है। कैसे ज्ञात करना है, बराबर 8 9 1 9 6 9 42 सबको जोड़ दिया जाता है, 42 आ गए। ये भी याद रहे आप कि अगर किसी का 18 आ रहा है 17 आ रहा है 11 आ रहा है तो उसको भी एक अगर 18 होता तो 1 8 शुरू करते। यहां भी वही स्थिति आ सकती है, रवन तो सब सभी गिनतियों को ऐसे जोड़ेंगे, चाहे एक गिनती में इकाई में हो चाहे दहाई में, एक एक का सभी का जोड़ करें। जैसे इसका आ गया 42 जोड़ आ गया इन सभी का, हर किसी का निकाल सकते हैं आत्मा। अब 42 आया तो फिर उसको जोड़ेंगे 42 में 4 2, सबसे बड़ी गिनती 9 कहलाती है अंक ज्योतिष के अनुसार। 9 से बड़ी गिनती जब तक आज अगर आती जाएगी तो हम जोड़ते जाएंगे जब तक 9 से कम ना हो जाए। तो ये 6 आ गया, जब 6 आ गया तो समझ जाओ कि मेरा जो है आत्मांक 6 है, मेरा आत्मांक 6 है। ये जिसका भी जो जन्म तिथि है उसका आत्मांक 6 है। अब उसमें पूछा कि भाई मुझे कौन, जिसने पूछा मैंने ये समझ लो कि मोहन ने पूछा, मोहन का है ये जन्म तिथि और मोहन की जन्म तिथि 6 आत्मांक आया मोहन का। अब मोहन ने पूछा कि मुझे कौन सा नग जड़ा हुआ जड़ी हुई में अंगूठी, कौन सी अंगूठी में कौन सा नग जड़ी हुई होना चाहिए जो शुभकारी। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई मोहन का जो 6 आया तो ये है अंक, ये आत्मांक है, ये 6 निकाल दिया, ये 6 देखना है, ये 6। तो समझ गए कि मोहन को चाहिए कि मोहन जो है ना सोने की अंगूठी बनवाए, उसमें हीरा जड़वाए, सोने की अंगूठी में हीरा जड़वा कर और इसके बाद पहने, उसको लाभदायी होगा, हर प्रकार से शुभकारी होगा। इसी प्रकार अगर जिसका जो जिसकी जो आत्मांक आएगा कोई भी पूछे उसका निकालेंगे, और जिसका जो आएगा जो इधर आएगा वो धातु की अंगूठी बनना चाहिए, और जो आखिरी काल रत्न है उसका वो नग वो जड़ माड़ी जड़ना चाहिए, वो जड़ जड़ी होना चाहिए उस अंगूठी में, उस धातु इस धातु की अंगूठी में ये जोड़ना चाहिए जिसका जो निकले। ये सरल विधि है, बस यही हम चाहते हैं कि आज इतना ही पर्याप्त।